हेलो दोस्तों, मैं चंदन यादव, यादव इंटरप्राइजेज में। आज हम कंसर्टिना कॉइल के बारे में कुछ डिटेल में बातें करेंगे। कंसर्टिना कॉइल कहाँ कहाँ पे यूज होती है और किस किस इंडस्ट्री में यूज होती है। आजकल पहले तो कंसर्टिना कॉइल ओनली बॉर्डर पे ही लगती थी, लेकिन आजकल जो है काफी समय से ये लोकल इंडस्ट्री, मेट्रो, PWD, CPWD और DDA और हिंदुस्तान में जगह जगह जितने भी MES, जितने भी डिफेंस के अंदर ये मैक्सिमम जगह यूज होती है। ये बेसिकली सिक्योरिटी शार्प ब्लेडें होती हैं, इसको हम पंच टेप कंसर्टिना कॉइल कहते हैं। और ये कम से कम 8 या 9 प्रकार में ये बनती हैं। सबसे पहला डाया कंसर्टिना कॉइल का 450 mm का होता है और 610 mm का भी होता है, 750 mm का भी होता है, 900 mm का भी होता है और 1050 mm का भी होता है। जो हम लोकल में या अपने घरों को या अपनी फैक्ट्रियों में लगाने के लिए 610 mm और 450 mm दोनों को हम यूज करते हैं और कभी कभी हम 750 mm को भी यूज कर लेते हैं। ये डायर कॉइल का साइज है। इसमें ब्लेड की थिकनेस 3 या 4 प्रकार की आती है, जो हम जो हमारे इंडिया के भारत के अंदर BTO 12 और BTO 22 ये दो ही ब्लेड चलते हैं। और ये जो इसका जो मेटल होता है वो GI का मेटल होता है। इसके अंदर जो वायर होती है, वायर डलती है, वो वायर जो होती है हाई टेंसाइल वायर होती है। और इसकी जो लाइफ जो होती है, इसकी लाइफ मिनिमम जो है 10 से 15 साल इजी चल जाती है, मॉइस्चर वाला एरिया नहीं है तो। हम इसको SS में भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और SS में जहाँ पे भी मॉइस्चर वाला एरिया होता है वहाँ पे SS की कॉइल लगती है। और ये बेसिकली जो है हम इसको अपनी सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। और आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो जरूर हमें फोन करें। हमारी वेबसाइट है yadaventerprises.com।